रख रही हूँ अंदर प्लेटफॉर्म ऑफ मेगा गेट। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं सोम के अंदर, और ये जो टॉपिक है हमारी काफ़ी बेसिक चीज़ है सोम के अंदर, जो ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर और हर एक डेरिवेशन के अंदर या जो भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सोम के अंदर, ये प्रॉपर्टीज वहाँ पर अज्यूम की जाती है उस मटेरियल के अंदर। तो आज की जो पूरी जो लेक्चर है ना, वो पूरी इन प्रॉपर्टीज मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर ये लेक्चर, और इसको हम लोग देखेंगे कैसे इस प्रॉपर्टीज का यूज होता है या क्यों हम लोग इसको इस प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं किसी मटेरियल को डिजाइन करने में, या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है डिजाइन फील्ड में, या किसी भी कंपोनेंट में जो हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं या जो डिजाइनिंग कंपोनेंट में जो मटेरियल को हम लोग लेते हैं उसका क्या रोल होता है होमोजेनियस की, आइसोट्रॉपिक की, या एनिसोट्रॉपिक मटेरियल जो प्रॉपर्टीज होती है इसका क्या रोल है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, छोटी सी रिकैप लेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था ना, वो हमारी जो लेक्चर थी वो बेस्ड थी नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल लोड एंड शेयर लोड के ऊपर थी, और इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझा था डायग्राम के साथ, और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक दो न्यूमेरिकल भी किए थे लास्ट लेक्चर में इस नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस को लेकर के। तो आई थिंक लास्ट लेक्चर समझ में आई होगी क्योंकि मैंने काफ़ी सिंपल वे में वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इसी बात पर हम लोग क्या करते हैं कि आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि होमोजेनियस प्रॉपर्टीज एक्चुअली में है क्या किसी मटेरियल की, या इसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग होमोजेनियस मटेरियल उस मटेरियल को बोलेंगे जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट होती होगी। अब वो प्रॉपर्टीज कौन सी है हम लोग इसको जरा आप देखते हैं। अ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजेनियस व्हेन इट एग्जिबिट व्हाट, इट एग्जिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज एट एनी पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन। बात समझ में आई, बोला है कि हम लोग उस मटेरियल को होमोजेनियस बोलेंगे ना जिसके अंदर क्या होगा कि एक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट होती होगी या एक प्रॉपर्टीज वो बियर करेगी जिसके अंदर क्या होगा कि जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो सेम होगी, और सेम होने के साथ साथ क्या बोला गया है कि एट एनी पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब किसी भी पॉइंट पर उस मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम होगी लेकिन एक पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन पे नहीं होगी। किसी भी पॉइंट पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम होगी लेकिन एक गिवन डायरेक्शन में, चाहे हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो, वर्टिकल एक्सिस हो, और थ्री डायमेंशनल बॉडी अज्यूम कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों ही एक्सिस में किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी कि उस इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम होगी किसी भी पॉइंट पर उस मटेरियल के अंदर। तो यहाँ पर इससे पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पर होमोजीनियस मटेरियल की हेल्प से क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारे इलास्टिक प्रॉपर्टी के सेम तो हो रहा है किसी भी पॉइंट पर लेकिन एक गिवन डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन का रिस्ट्रिक्शन है कि किसी भी डायरेक्शन में सेम नहीं होगी, किसी पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में ही होगी, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज है ये किसी भी पॉइंट पर सेम हो रही, मतलब क्या है ये इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट होगा या इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन होगा। ये पॉइंट याद रखनी है कि होमोजीनियस प्रॉपर्टीज जो थे किसी मटेरियल की वो इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन या इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट होगी बट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन होगी। तो इसी को हमने क्या किया कि यहाँ पर एक डायग्राम के फॉर्म में समझाया है। मान लो कि ये हमारी एक मटेरियल है, मटेरियल के लिए हमने क्या किया कि चार पॉइंट लिया है ए बी सी एंड डी। तो पॉइंट ए पर जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है वो इस डायरेक्शन में दिखाया गया जिसका हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई कंसिडर किया है। बी पर भी सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर भी सेम आया सी एंड सिमिलरली डी। तो चारों पॉइंट पर क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक सेम डायरेक्शन में है और विद सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज कैरी कर रही है, यानी कि यहाँ पर इलास्टिक प्रॉपर्टीज की मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ या वैल्यू अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक पॉइंट पर सेम है लेकिन एक गिवन डायरेक्शन में है। इसी तरह अब हमारी जो अगली टॉपिक है वो है आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक भी क्या है कि ये भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज है लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है होमोजेनियस से। होमोजेनियस में हमने क्या देखा है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है और इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, पोजीशन और पॉइंट। लेकिन इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो है ये हमारी डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होगी लेकिन पॉइंट डिपेंडेंट होगी। इसको समझते हैं ऐसा क्यों। A material is said to be isotropic when it exhibits
सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, क्या बोला गया है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर अपने अंदर बियर करेगा इन एनी डायरेक्शन, बात समझ में आई, बोला गया है कि किसी भी डायरेक्शन में एट अ गिवन पॉइंट दैट इज इलास्टिक प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि एक तरह से देखा जाए तो होमोजेनियस से जस्ट अपोजिट है, वहां पर दिया गया है सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज है लेकिन किसी भी पॉइंट पर एट अ गिवन डायरेक्शन, लेकिन इसमें बोल रहा है कि इन एनी डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट, मतलब यहाँ पर स्पेस या लोकेशन जो रिस्ट्रिक्टेड है जबकि डायरेक्शन क्या है वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से हमें यही समझ में आया कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल जो है वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है लेकिन लोकेशन या पॉइंट वाइज क्या वो डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है। इसको भी अगेन हमने क्या किया कि एक डायग्राम यहाँ बनाया है और इस डायग्राम में एक पॉइंट हमने लिया जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया और इस पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया वो हर एक डायरेक्शन में सेम है लेकिन किसी गिवन पॉइंट पर, अगर इसी को मैं अगर इस पॉइंट पर लूंगा ना तो यहाँ पर जो होगा इलास्टिक प्रॉपर्टीज ये ई नहीं होगी बल्कि ई वन ई टू इतनी, मतलब उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी जो स्ट्रेंथ होगी वो अलग होगी लेकिन इस पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में क्या होगी सेम होगी, इस डायरेक्शन इस पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में क्या होगी सेम होगी। मान लो कि हमने यहाँ पर इवन लिया है, इवन लिया है तो यहाँ पर भी इवन होगी, इस डायरेक्शन में भी, इधर भी इवन होगी, इधर भी इवन होगी लेकिन ये पॉइंट ए और इसको हमने पॉइंट बी अगर कंसीडर कर रहे हैं तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी वो सेम नहीं होगी बल्कि ये क्या है लोकेशन डिपेंडेंट या पॉइंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है बल्कि डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है। इसी वजह से पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी वो सेम नहीं होगी लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक में डिफरेंस क्या है। जो हमारी होमोजीनियस है वो हमारी पॉइंट ओ क्या है कि वो पॉइंट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है जबकि डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है, लेकिन आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या है ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है किसी भी पॉइंट पर, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी डिफरेंट होगी लेकिन उस पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में क्या होगी उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो ये बोल सकते हैं ये पॉइंट डिपेंडेंट एंड डायरेक्शनली इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आइसोट्रॉपिक। इसका जस्ट रिवर्स क्या है, इसका जस्ट रिवर्स जो है हमारी होमोजीनियस है। तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ कंबाइंड कर देंगे। अब कंबाइंड करने से क्या होगा कि हमें क्या फायदा होगा इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो अब हम लोग इसको कंबाइंड करते हैं तो हमें ये कुछ अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग कंबाइन कर रहे हैं किसी भी मटेरियल को, अगर हम लोग होमोजीनियस या आइसोट्रॉपिक मानते हैं या कोई भी मटेरियल होमोजीनियस या आइसोट्रॉपिक मटेरियल प्रॉपर्टीज अगर अपने अंदर एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिबिट हो रही है तो उससे हमें क्या फायदा होगा या क्या हमें उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिलेगा इसको अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि है क्या चीजें। When it exhibits same elastic property at any point in any direction, that is elastic property is independent of what? Independent of both point and direction. तो इससे हमें दोनों को एक साथ combine करने का या एक साथ कोई भी material ये दोनों properties रखने से फायदा क्या हो रहा है कि जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है ना वो किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी पॉइंट पर वो डिपेंड नहीं करती है, दोनों से इंडिपेंडेंट है। मतलब किसी भी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में उस मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होगी वो एक यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी। तो इससे हमें इन दोनों को कंबाइन करने से ये फायदा मिला। लेकिन जब हम लोग सिंपल होमोजीनियस ले रहे थे या आइसोट्रॉपिक ले रहे थे तो होमोजीनियस हमारे क्या है डायरेक्शनली डिपेंडेंट हो रहा था, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेंथ सेम हो रही थी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम हो रही थी। आइसोट्रॉपिक के अंदर क्या हो रहा था कि किसी भी डायरेक्शन में बट किसी गिवन पॉइंट पर उसकी प्रॉपर्टी सेम हो रही थी, इन दोनों में रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन जब दोनों को कंबाइंड एक साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जो भी रिस्ट्रिक्शन थी वो सारी खत्म हो रही है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो किसी भी पॉइंट पर या किसी भी डायरेक्शन में वो इंडिपेंडेंट हो जा रही है। मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में वो सेम मैग्नीट्यूड के साथ होगी। एक तरह से बोल सकते हैं कि उस मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होगी यूनिफॉर्म होगी एट एवरी पॉइंट एंड एट एनी डायरेक्शन। तो यहाँ से कुछ नोट पॉइंट ये निकल करके आ रहा है कि जो हमारी कोई भी अगर होमोजीनियस मटेरियल है तो अगर होमोजीनियस हो रही थी इसका मतलब ये नहीं है कि वो मटेरियल हमारे क्या हो आइसोट्रॉपिक हो। इससे कंडीशन क्या बन रहा है कि अगर मटेरियल हमारी होमोजीनियस है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आइसोट्रॉपिक ही होगा। क्लियर है?
या फिर ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पर वाइस वर्सा लिखा गया है, ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे कोई मटेरियल आइसोट्रॉपिक है इसका मतलब ये नहीं है कि वो होमोजेनियस भी होगा। अब वो मटेरियल हो भी सकती है आइसोट्रॉपिक, नहीं भी हो सकती है, ये दोनों कंडीशन बन सकता है कि अब यहाँ, लेकिन हमें यहाँ पर ये बोलना है कि कोई भी मटेरियल अगर होमोजेनियस है तो आइसोट्रॉपिक होना जरूरी नहीं है, या कोई मटेरियल आइसोट्रॉपिक है तो उसका होमोजेनियस होना जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो दोनों ही ये प्रॉपर्टीज बियर करते हैं, अपने अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी सारा मटेरियल नहीं है, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो दोनों प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखते हैं, तो वही बोला गया। बट फ्यू मटेरियल्स आर सेड टू बी बोथ होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक, फ्यू मटेरियल्स हैं, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सारे मटेरियल के अंदर होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल एक साथ एग्जिस्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ मटेरियल के अंदर होती है। तो अब हमारे जो है एनिसोट्रॉपिक मटेरियल है, अब ये एनिसोट्रॉपिक मटेरियल है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक से। अब ये डिफरेंट कैसे हैं, जरा हम लोग इसको देखते हैं। व्हेन इट एग्जिबिट डायरेक्शन डिपेंडेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी, ये दो मतलब डायरेक्शन ने लिख दिया, ठीक है। व्हेन इट एग्जिबिट डायरेक्शन डिपेंडेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी एट अ गिवन पॉइंट, मतलब ये समझ में आया कि वैसी मटेरियल जो डायरेक्शन डिपेंडेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज रखती हो किसी गिवन पॉइंट पर, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है क्या, ये पॉइंट ए पर देखो कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या एक्स एक्सिस मान लो, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई वन है, ये ई टू है, ये ई थ्री है। सिमिलरली हमने दूसरा पॉइंट बी लिया, तो इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये हमारे क्या है, ये ई है, फिर इस डायरेक्शन में यहाँ पर देखो ये ई वन है, ये इस डायरेक्शन में ये ई टू है, और ये इस डायरेक्शन में ई थ्री है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी गिवन पॉइंट पर जो प्रॉपर्टीज होगी ना, एक गिवन डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ना एनिसोट्रॉपिक, ये होमोजेनियस और हमारे आइसोट्रॉपिक मटेरियल से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में ईवन है, तो यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में क्या है, ये ईवन है, तो ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि ये डिपेंड हो रहा है। यहाँ पर इस डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टीज आ गई, यहाँ पर अलग आ गई, फिर यहाँ पर देखो ये E है, तो इस डायरेक्शन में भी E है हर एक पॉइंट पर, मतलब किसी गिवन पॉइंट पर क्या हो रहा है कि हर एक डायरेक्शन में उसके लिए इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। लेकिन जब अभी हमने क्या पढ़ा था कि होमोजीनियस के अंदर या इलास्टिक प्रॉपर्टीज के अंदर कि किसी भी गिवन पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, सेम हो रही थी, यूनिफॉर्म हो रही थी आइसोट्रॉपिक के अंदर। और होमोजीनियस के अंदर क्या हो रहा था कि किसी भी पॉइंट पर किसी गिवन डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो रही थी, लेकिन यहाँ पर गिवन पॉइंट पर क्या हो रहा है कि हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है, मतलब इधर ई वन है, इधर ई है, इधर ई टू है, इधर ई थ्री है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में उस मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, एक यूनिफॉर्म मैनर में उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो जब हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ एक यूनिफॉर्म मैनर में होगी नहीं, तो इसलिए हम लोग उसको डिजाइन पर्पज से हम लोग उसको इस प्रॉपर्टीज को कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जब भी हमें एक सही तरीके की डिजाइन करनी पड़ेगी तो हमें अपने मटेरियल को होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक कंसीडर करना पड़ेगा, या हमें वैसी मटेरियल लेनी पड़ेगी जिसके अंदर होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट होती होगी। क्लियर होगी बात है, ऐसा क्यों, क्योंकि उन दोनों को अगर हम एक साथ कंबाइन कर रहे हैं तो किसी भी पॉइंट में किसी भी डायरेक्शन में मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या आ रही है, सेम आ रही है, यूनिफॉर्म हो रही है। तो हमें यही चाहिए, हमारे लिए यही डिजायर प्रॉपर्टीज है डिजाइनिंग पर्पज से।